दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर यार पर आप आपके पॉइंट्स ऑर्गेनाइज स्पेशल डे डिटेल्स न्यूज ऑफ द डे कवर करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पंद्रह अगस्त के करंट अफेयर और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें अमन सर वाइफ स्टडी सर्च करिए टेलीग्राम पर सो तो डैट आपको पी और लिंक्स मिल सके और बताइए आप सभी को सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे की देखिए इस बार का जो थीम है सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे है और जो थीम है थीम इंपॉर्टेंट है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है न्यूज ऑफ द डे देखिए फोर्टीन अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टीशन होरर रिमेम्बरेंस डे घोषित किया डेफिनेटली जिस दिन फोर्टीन uh, अगस्त को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है और उसी दिन विभाजन के समय बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी तो इसको एज अ हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व किया जाएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट आ सकता है आज के क्वेश्चन की बात करते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने इंडिया ने हाल फिलहाल में कितना टारगेट अचीव किया रिन्यूबल एनर्जी कैपेसिटी का तो देखिए आंसर है इसमें से 200 सौ डेढ़ सौ हंड्रेड गीगा वर्ड इसका आंसर है इंडिया ने 100 गीगा वाट अचीव किया है एग्जैक्टली exactly हमारा टारगेट इससे ज़्यादा है वो भी अचीव हो जाएगा पूरी डिटेल बताता हूँ आपको कि टारगेट कितना अचीव किया है हंड्रेड गीगा वाट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया किस रैंक पे है तो वी आर एट फोर्थ पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन रिनीबल एनर्जी लेकिन अगर आपको इसके स्पेसिफाई सोलर का पूछा जाए तो इंडिया फिफ्थ रैंक पे है और विंड का पूछा जाए तो इंडिया फोर्थ रैंक पर है देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि 100 गीगावाट हमने कर लिया अचीव 50 गीगावाट हमारा इंस्टॉलेशन में है 27 हमारा टेंडिंग में तो डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है ना बीस बाईस का ये टारगेट कवर हो जाएगा वन और इवन हमारा चार गीगावाट का बीस तीस का टारगेट भी कवर हो जाएगा तो इट्स अ गुड न्यूज एक और क्वेश्चन देखते हैं नितिन गडकरी जी ने हाल फिलहाल में रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए एक हज़ार करोड़ के स्टेट को दिए हैं तो ये हाईवे प्रोजेक्ट जो है ना कहाँ पे बन रहा है उत्तराखंड में बन रहा है देखिए एक फंड स्कीम है जिसके तहत ये पैसा दिया गया सेंडर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसके तहत नितिन गडकरी जी ने एक हजार करोड़ दिए और उसमें तीन सौ करोड़ एडिशनल भी दिए गए तो टोटल अमाउंट कितना एक तेरह सौ करोड़ का अमाउंट है उत्तराखंड सरकार के लिए यहाँ पे एक टनल बन रहा है तेहरी लेक के नियर बाय तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है हाल फिलहाल में भारत का कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें पहली बार सेटेलाइट फोन जो है इसको ठीक है यूज़ किया जाएगा देखिए सैटेलाइट फ़ोन की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जो नेशनल पार्कस होते हैं ना जैसे आंसर इसका काजिरंगा नेशनल पार्क है असम में सैटेलाइट फोन की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ना जितने नेशनल पार्क होते हैं ना वहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है तो सैटेलाइट फोन के जरिए जो है ये ज़्यादा सुविधा रहेगी इसके पूरी डिटेल देख लेते हैं पहली बात आप सभी जानते ही होंगे काजिरंगा नेशनल पार्क असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्स योनो जो है बहुत फेमस है स्टेट एनिमल है और हाल फिलहाल में आसाम के चीफ सेक्रेटरी जिष्णु बरुआ ने दस सैटेलाइट फोन जो है ना काजीरंगा नेशनल पार्क के जो फॉरेस्ट पर्सनल्स है उनको प्रोवाइड किया सो डैट की इसमें एंटी जो कोचिंग मेजर्स है उसमें थोड़ा सा बूस्ट अप हो सके ठीक कनेक्टिविटी बन सके डेफिनेटली बेनिफिशियल है अब इसका कोस्ट क्या आया इसका कोस्ट 16 लाख आया ठीक है कोस्ट इसका क्या आया है सोलह लाख आया और ये कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा बी एस एन एल विल प्रोवाइड दिस सर्विस इंपॉर्टेंट है, है क्वेश्चन आ सकता है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन कौन सा यूनियन टेरेटरी है जो कि बंगास आवाम मेला ठीक है ऑर्गेनाइज किया रिसेंटली तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग दे रखे हैं याद रखिएगा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जम्मू कश्मीर इसका आंसर है यहाँ पे मैंने इतना आसान क्वेश्चन पूछा लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कन्फ्यूज़ होते मच ठीक है जम्मू कश्मीर है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया ये हमारे देश का जो इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया जा रहा उसी समय में इसको ऑब्जर्व किया गया और बहुत जो महत्वपूर्ण हमारे देश के फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस जी हैं इनकी डेथ एनिवर्सरी को ठीक है ऑब्जर्व किया गया इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ सकता है ठीक है वैली में इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर सवाल आने के चांसेस पूरे टू प्लस टू मीटिंग होती क्या है ठीक है इंडिया ने हाल फिलहाल में कौन से देश के साथ पहला फर्स्ट मिनिस्ट्री लेवल टू प्लस टू मीटिंग जो है ऑब्जर्व करनी है ठीक है तो आंसर क्या है ये ऑब्जर्व किसके साथ करने वाले हैं हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हम करने वाले हैं सेप्टेम्बर में ऑब्जर्व करेंगे हम इसे अब पहले तो ना हम टू प्लस टू मीटिंग ही जान लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे भी आ सकता है कि टू प्लस टी टू प्लस टू डायलॉग होता क्या देखिए टू प्लस टू डायलॉग का मतलब क्या है जिसमें ना दो मिनिस्टीरियल्स ठीक है दो मिनिस्ट्री दो कंट्रीज से कनेक्ट होती हैं ठीक है थेके? और कुछ डायलॉग्स होते हैं कुछ कॉन्फ्रेंसिस होती हैं तो मिनिस्ट्रीज कौन सी है पहला डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिया का भी ऑस्ट्रेलिया का भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इंडिया का भी और ऑस्ट्रेलिया के भी तो इसलिए ये टू प्लस टू कहा जाता है और इतने डायलॉग्स होंगे दो मिनिस्ट्रीज दो देशों के बीच में तो डेफिनेटली कुछ तो आउटपुट्स आएंगे डिप्लोमेटिक रूप में तो ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मैरी स्पाइन और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ठीक है ऑस्ट्रेलिया के फॉरन डिफेंस मिनिस्टर ये विजिट करेंगे इंडिया में तो डेफिनेटली उस समय ये होने वाला है सेप्टेम्बर में होगा तो सेप्टेम्बर में जो डील्स होंगी वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा आप कंटिन्यूटी में देखिए इधर सिक्स ए एम पे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में आ जाता है देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल के बाद नीरज चोपड़ा जी की जो वर्ल्ड एथलेटिक रैंकिंग है वो कितनी होगी बहुत बेहतरीन है ये सवाल आ भी सकता है कि दूसरी रैंकिंग पे आ चुके हैं नीरज चोपड़ा जी मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है और नीरज चोपड़ा जी सेकंड रैंकिंग में आ गए फर्स्ट रैंकिंग पे याद रखिएगा देखिए फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज जर्मनी जोन स्वेटर ठीक है और जो सेकंड नंबर पे है नीरज चोपड़ा जी ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है world, और उसके बाद पोलैंड के एक खिलाड़ी हैं ठीक है अमेरिकन वो भी थर्ड नंबर पे हैं याद रखिएगा जो नीरज चोपड़ा जी का सेकंड प्लेस पे स्कोर है वो है वन थ्री वन फाइव का और जो फर्स्ट प्लेस पर जो जर्मनी के एथलीट है उनका स्कोर जो है वन थ्री नाइन सिक्स ऑब्वियसली ये इन्हें भी डिफीट कर देंगे थोड़े ही समय में चलिए तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आने के चांसेस ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं देखिए हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिन्होंने हाल फिलहाल में लॉन्च किया क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन डिटेल इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 ऑर्गेनाइज किया गया एक किसके द्वारा ऑब्वियसली फोर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये ऑर्गेनाइज कब किया गया ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ये तेरह अगस्त से लेके अभी तक ऑर्गेनाइज किया जाए दो अक्टूबर तक तो ये इम्पोर्टेंट है और पहली बार ये जो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था ये पंद्रह अगस्त से लेके दो अक्टूबर बीस बीस तक हुआ तो तो ये पुराना एडिशन भी इम्पोर्टेंट है ठीक है डेट पूछी जा सकती है और इसमें इस प्रोग्राम में सेवेंटी फाइव विलेज में जो है जो डिस्ट्रिक्स है वहाँ पर डिस्किस इसमें ठीक है जाया जाएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ, आ सकता है चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल कौन सा देश है जो हाल फिलहाल में इन्होंने डिसाइड किया है कि ये एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे अपने सिटीजन को जो ट्रैवल करना चाहते हैं अब्रोड में तो ये कनाडा के द्वारा किया जाएगा देखिए ये सुविधा के तौर पर है कि इनके पास अगर खुद का डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट होगा सिटीजनस के पास तो उनका ट्रैवल इशू जो है ईजी हो जाएगा ट्रैवलिंग के लिए उनके लिए आसान हो जाएगा ऐसा नहीं कि कनाडा फर्स्ट टाइम कर रहा है या कोई और देश ने नहीं किया यूरोपियन यूनियन में वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम अलाउ कर दिया गया है क्योंकि यूरोपियन यूनियन में खुद के ही जो यूरोप के कंट्रीज है उसमें भी ट्रैवल करने के लिए ये सब चाहिए होता है तो ये एक तरीके से एक तरीके से सुविधा है जो कि कोरोना काल में मिली हुई है इन देशों को चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और इंडिया भी इसे कर सकता है पॉसिबल है क्वाइट पॉसिबल चलिए देखते हैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल स्पेस मिशन इसरो का कौन सा जिसने डिटेक्ट किया वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ मून तो ये चंद्रयान टू ऑर्बिटर के द्वारा जो है डिटेक्ट किया गया अब आप कहेंगे कि सर ये तो फेल हो गया था फ्लोप हो गया था कंप्लीटली फ्लोप नहीं हुआ था कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया का जो ये जो इसरो का चंद्रयान टू भेजा गया था इसके ऑर्बिटर ने हाल फिलहाल में वाटर मोलिकुल सरफेस पर मून के सरफेस पर ठीक है डिटेक्ट किया है ठीक है वाइड स्प्रेड लूनर हाइड्रेशन ओ और एस तो में डिफरेंस पता कर सकता है इस वजह से ठीक है ये डिटेक्ट कर पाए चंद्रयान टू इम्पोर्टेंट है पूछा सकता है डाटा जो कलेक्ट हुआ है वो कलेक्ट किया गया है इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा जो कि डेवलप किया गया था अहमदाबाद बेस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने के चांसेस पूरे पूरे हैं लॉन्च कब हुआ था वी ओ वन टू को 2019 में लॉन्च किया गया था ठीक है इस मिशन का कंप्लीशन हो गया था 90 परसेंट टेन परसेंट इसका ठीक है डैमेजिंग की वजह से काम खराब हुआ था लेकिन फिर भी ऑर्बिटर ने ये इम्पोर्टेंट इनपुट जो है दिया है कि वाटर जो है मोलिक्यूल जो है, पाए गए हैं मून के सर्फेस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं अगस्त में ठीक है टाइगर एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन प्रोटोकॉल रिलीज़ किया गया किसके द्वारा तो ये रिलीज़ किया गया डेफिनेटली एनवायरमेंट से संबंधित है तो भूपेंद्र यादव जी ही इसे रिलीज़ करेंगे आप इसकी डिटेल देख लीजिए देखिए हाल फिलहाल में अभी ना एक टाइगर टाइगर और एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज होने वाली है ठीक है तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया और किसने अनाउंस किया है हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इसे अनाउंस किया है क्योंकि ये जो कन्फ्लिक्ट है ना ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट इसको भी रोकना है और ये सब चीज़ें करना जरूरी है तो क्वेश्चन देखते हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको इसके कवर करा रहा हूं कौन से देश की गवर्नमेंट है जिसने हाल फिलहाल में एक एमरजेंसी सेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कॉल अप किया तो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान आप सभी जानते हैं अफगानिस्तान में बहुत सारी दुविधाएं आ चुकी हैं एकदम से देखिए आप सभी जानते हैं कि तालिबान सो हैं इन्होंने ऑलमोस्ट बारह प्रोविंस कैपिटल्स जो हैं अफगानिस्तान के इन पर कब्ज़ा कर लिया लेटेस्ट में तीन प्रोविंस भी थे हैरात ठीक है और बदगिश और गजनी इन सभी को भी कब्जा कर लिया कांधार पे इन सब चीज़ों पे कब्जा कर गया है तो ऑबियसली ये चाहते हैं कि अब एक तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ मुद्दा उठे इसके बारे में कुछ सरकार के लिए किया जा सके तो ये आप पहले डिटेल में पढ़ चुके होंगे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो में ठीक है तो डेफिनेटली आपको होगा इसके बारे में मैं आपको इसकी ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ एक एक ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलान्टिकी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप सभी कहते हैं नाटो के नाम से ठीक है ये डिफेंस है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना चार अप्रैल नाइनटीन में हुई थी उस समय अफगानिस्तान में भी रही तो इसके लिए वो क्वेश्चन आ सकता है तो नाटो में बेसिकली जो मेंबर है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से इसका हेड क्वार्टर ब्रूसल बेल्जियम में ब्रूसल बेल्जियम जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है सेक्रेटरी इसके जैन तो स्टोलनबर्ग हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि पॉइंट्स देखते हैं जिसको हम डिटेल फॉर्म में आगे भी बढ़ेंगे ठीक है आई ने बिल्ड किया है वर्ल्ड टॉलेस्ट मोबाइल ए टावर कहाँ पर लद्दाख में ठीक है एक बुक लिखी गई ठीक है राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्म क्राइसिस किसके द्वारा जयदीप हरदेकर के द्वारा रिसेंटली जो अफग़ानिस्तान के नए आर्मी चीफ कौन है ठीक है हिबादुल्लाह अलीज़ा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी सम, समझ सकते हैं अफगानिस्तान में इस समय बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है तालिबान का तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है देखिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अमन सर वाईफाई स्टडी इसमें मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगा और अन्य क्लासेस भी मेरी होती है जिसको आप यहां से देख सकते हैं पीडीएफ ले सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सर्च करिए अमन सर वाईफाई स्टडी और सुबह छह बजे वीडियो सेक्शन में आपको वर्ल्ड अफेयर्स का ये वीडियो मिल जाता है जरूर देखिए फ्री क्लासेस आपकी टेन ए एम पे करंट अफेयर की अन के प्रोफाइल पर अवेलेबल होती है मेरा प्रोफाइल है अमनदीप शर्मा सर्च करिए अमनदीप शर्मा और फॉलो करिए या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया होगा फोलो अमनसूरन अकेडमी वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं महत्वपूर्ण है मेरे कोर्सेज लाइव में देखिए कोर्सेज का फायदा बहुत होता है अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं एसएससी गोल या कोई भी अन्य गोल सेलेक्ट करके आप इसमें गेट्स गैट्स क्लिक जब करें तो इधर रेफर कोड लगाएं लाइव अमन दिस इज अ वन शॉट सॉल्यूशन आप इस रेफर कोड को लगाते ही ऑटोमेटिकली सारे ऑफर्स सारे डिस्काउंट्स ले, ले लेंगे चाहे आप फिर चौबीस मंथ सेलेक्ट करें यू विल गेट वन ईयर फ्री इसी रेफर कोड से आपको फ्री होगा ठीक है और चाहे आप इस रेफर कोड को लगाएं तो आपको वन ईयर डेफिनेटली फ्री होने वाला है चौबीस मंथ पे फीस आपकी सबसे कम होने वाली है सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट सारे एग्जाम्स की कवरेज इस रेफर कोड से आपकी हो सकती है तो यूज लाइव अमन ऑन अन एकेडमी प्लस कोर्सेस और अनएकेडमी कॉमबैक का हिस्सा बनिए संडे को बारह बजे होता है तो इसको यूटिलाइज करिए और इसमें एक रेफर कोड यूज़ करना होता है लाइव अमन यूज कर लिए सो डेट यू कैन आंटेट चालीस क्वेश्चन होंगे पचास मिनट तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और आपको लकी ड्रॉस कॉम्बैक भी हैं आपके ठीक है तो आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं और अन अकेडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है यूटिलाइज़ करिए थैंक्स अलोट सेशन को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए सुबह छह बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में आता है डेली पढ़िए रेगुलर पढ़िए थैंक्स अलोट